और पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि मैंने ब्रस्टो के चारकोल पाउडर की अनबॉक्सिंग की थी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो मैंने स्टैनली की ये पोर्ट्रेट बनाई है, यहाँ पर आपको दिख रही होगी, इसका बैकग्राउंड में शेड कैसे करूँगा, क्योंकि इसके जो यहाँ पर आपको कान दिख रहा है, इस कान के साइड में भी वाइट कलर के हेयर्स हैं और मुझको वो बनाना है। वाइट कलर के हेयर्स के लिए आपका ब्लैक बैकग्राउंड होना ज़रूरी है, इसलिए मैं इस चारकोल पाउडर और इस ब्रश की मदद से इसका बैकग्राउंड शेड करने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मैं ब्रश का यूज वहाँ पर कर रहा हूँ जहाँ पर स्टैनली की आउटलाइन हो रखी है, और मैं बाकी जगह कॉटन के कपड़े का यूज कर रहा हूँ, बिकॉज कॉटन का कपड़ा जो चारकोल पाउडर होता है वो बहुत ज्यादा ब्लेंड होता है, और वो चारकोल जो होता है ना वो कॉटन से बहुत ज्यादा ब्लेंड हो जाता है, इसलिए मैं कॉटन का एक कपड़ा यूज कर रहा हूँ। आपको ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि लाइट किस तरफ से आ रही है। अगर लाइट राइट साइड से आ रही है तो आपको राइट साइड वाला ब्लैक कलर का बैकग्राउंड जो है वो थोड़ा सा लाइट रखना पड़ेगा लेफ्ट साइड के मुकाबले। और आपको ये भी ध्यान देना है कि जहाँ से लाइट आ रही है वहाँ पर अगर हमारी पोर्ट्रेट में जो भी इंसान हमने बनाया उसने चश्मा पहना है तो फिर हमें उसके ग्लासेस को रिफ्लेक्शन देनी है और वहाँ पर थोड़ा पेपर वाइट छोड़ना है। बाल होते हैं उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाने के लिए सबसे पहले एक बहुत पतले इरेजर से करना है, जैसे कि पेंसिल के पीछे जो इरेजर होता है वो पतला होता है, टॉम्बो मोनो जीरो इरेजर आप यूज़ कर सकते हैं, और जहाँ पर बाल थोड़े ब्राइट आ रहे हैं वहाँ पर आपको थोड़ा थोड़ा उसका यूज़ करना है, जेली रोल वाइट जेल पेन का। तो फ्रेंड्स, मेरी ड्राइंग तो कंप्लीट हो चुकी है। जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने स्टैनली की पोर्ट्रेट बनाई है, और इसका जो हाथ है वो मुझको बहुत रियलिस्टिक लग रहा है, क्योंकि इसकी जो नर्व्स है ना वहाँ पर मैंने बहुत अच्छे से काम किया है, मतलब जहाँ डार्क एरिया है वहाँ डार्क एरिया करना है, और जहाँ पर नर्व्स थोड़ी उठी हुई आती है वहाँ पर हमें पेपर वाइट छोड़कर थर्ड टोन से मिक्स कर देना है। तो कैसी लगी आपको मेरी ये ड्राइंग वो आप कमेंट में बता देना, और ऐसे ही और मोर कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। बाय बाय।